चलो वॉक पर चलते हैं। ओके, बहुत खा लिया आज, एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। अरे चेंगहाओ, तुम यहाँ चलते हो वॉक पर? रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। क्या फिल्मी बातें कर रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें कौन सी सुननी है पहले? गुड न्यूज बताओ पहले, बुरी बातें बहुत सुन ली हैं। चलो चलते चलते बताना। अंदर चल के बात करें। आ जाओ फिर। अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, बैठो। क्या बात है? देखो वाह, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि अच्छा होगा अगर अच्छा होगा कि हम अरे इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अरे यहाँ वहां घुस जाते हो, मना किया है ना मैंने? चुपचाप बैठो यहाँ, बैठो। हाँ बताओ। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बेल्जियम जाना सबसे अच्छा होगा। क्या कहा? वो अच्छी जगह है, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट पॉलिसीज, लाइफ के स्टैंडर्ड और बहुत कुछ है वहां। वहां पर तुम्हारे लिए वर्ल्ड में 17 नंबर पे आती है और मौसम भी बहुत अच्छा है। वहां हरियाली भी सबसे ज्यादा है और हवा भी एकदम क्लीन है। और सबसे अच्छी बात ये कि बेल्जियम में इमिग्रेशन बहुत इजी है बाकी यूरोपियन देशों से। वहां के लोग भी अच्छे हैं और बाहर के लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। एजुकेशन भी वहां पर बहुत अच्छा है, तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें वहां पर जाकर। बस करो, मुझे तुमसे ज्यादा पता है बेल्जियम के बारे में, वहां रह चुकी हूं मैं। हाँ वो तो है। अब ये देखो जरा, ये शैटलिन होटल की डिटेल्स हैं। बहुत ही अच्छा होटल है ये, सच में बहुत अच्छा है ये। मैंने पूरी डिटेल्स निकाली। इस सब का क्या मतलब है चेंगहाओ? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कल तक तो तुम ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे भगाना चाहते हो? तुम्हें डर है मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? क्या बोल रही हो तुम? मैंने बहुत सोचा इस बारे में और सारे फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं। मुझे लगता है बेल्जियम वापस जाना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन? अपने फैसले लेने के लिए तुमसे ऑप्शन लेने पड़ेंगे? तुम चाहते हो मैं चली जाऊं तो सीधा बोल दो। ये फालतू के प्लान्स और रिपोर्ट्स बना के क्या दिखा रहे हो मुझे समझाने के लिए? शांत हो जाओ तुम, तुम्हारे भले के लिए। नहीं चाहिए भला मुझे। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें भगाना चाहता हूँ? तुम्हें ऐसी जगह भेजना मेरे लिए भी मुश्किल है, जहां पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं मुझे। मैं तो तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन बेल्जियम इस वक्त ऑप्शन है। सोच लो तुम एक बार। इस वक्त मुझे रियलिटी साफ साफ दिख रही है। अगर तुम बेल्जियम में ही रहोगी और अपना काम भी करोगी तो हम दोनों कितना कमा पाएंगे? और मेरी तो तुम्हें पता ही है जॉब चली गई है, दूसरा काम भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है मेरे पास। फिर भी तुम बीजिंग में रहना चाहती हो बिना घर, बिना पैसे, बिना किसी जॉब के। कैसे अगर तुम फिर से जॉब ढूंढना शुरू करोगी तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा तुम्हें यहां पर, और नई जनरेशन के साथ लड़ना पड़ेगा। पर तुमने ही कहा था ना कि मुझे
शॉर्टकट लेकर कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अब सोचा तो पता चला लाइफ ऐसे नहीं चलती। सच में हम सिर्फ अपने सपनों और अपनी मर्जी के हिसाब से ही लाइफ को जी सकते हैं। हमें सरवाइव करने के लिए पैसे कमाने ही पड़ते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि हमारी रियलिटी क्या है और उस हिसाब से अपने ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। और इसलिए ये कह रहा हूं कि अच्छा मौका मिला है तुम्हें। और उसका तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा हमेशा यही सपना था कि बेल्जियम में तुम्हारा अपना एक घर हो। अगर तुम वापस जाओगी तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है क्या? मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम यूनिफॉर्म पहने फ्रेंच में बात कर रही थी, बिना डर बिना घबराए। तुम्हें तो चैलेंजेस वाले काम करते रहने चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी। ये सॉन्ग डेंगू के दोस्त का कार्ड है, उसका नंबर है इस पे। मैंने सॉन्ग से बात कर ली है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। उसका दोस्त बीजिंग आ रहा है इंटरव्यूज लेने, तो मैं सोच रहा था तुम तैयारी कर लो इंटरव्यू देने के लिए। तुम मुझे दूर कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें ये सारी चीजें बताना चाहता था ताकि तुम अच्छे और बुरे सारे ऑप्शंस देखकर डिसाइड करो और तुम्हें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है बेल्जियम जाना ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में वहां जाने की जरा सी भी चाहत है तो फिर मेरी वजह से तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यही डर है कि मेरी वजह से तुम फिर से नुकसान उठाओगी। वरना सॉन्ग निन्ग्यू ने मुझे ये कार्ड दिया था, मुझे लगा कि अगर हम बेल्जियम में नहीं मिले होते तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। अब तुम्हारे पास और कोई चांस है फ्रेश स्टार्ट करने का, जहां मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें मेरी वजह से तुम्हारी जॉब से नहीं निकाला जाएगा और तुम प्लेन पर सॉन निन्ग्यू से नहीं मिलोगी। तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा अगर तुम गू याओ की प्रॉब्लम नहीं बनोगी, और तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी अगर ये सब बुरी चीजें हुई नहीं होंगी। तो तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे पास्ट को और सारी यादों को भूल जाओ, तो मुझे टाइम मशीन में डाल दो ताकि मैं पीछे चली जाऊं और तुम्हें भूल जाऊं। मैं समझ गई। तुम क्या सोचते हो मुझे पता चल गया। थैंक यू। थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। तुमने सही कहा, मुझे वापस जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है।
ठीक है, चिंता मत करो, मैं इंटरव्यू दूंगी। एक बियर देना। तुम यहां क्यों आए हो? थैंक यू। दया दिखाने या जख्मों पे नमक छिड़कने? दोनों नहीं, बस बात करने आए थे। इसमें कोई हर्ज तो नहीं? ओके, तो करो। उस दिन जब तुमने मुझे वो सब कहा, मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मुझे यूज कर रही थी। पर बाद में मैंने सोचा उस बारे में तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इतने टाइम से मुझे जानने के बाद पहली बार तुमने अपना सीक्रेट मुझे बता दिया। मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच की दूरी कम हो गई है और हम करीब आ गए हैं। तुम में सच्चाई दिखी। मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रांग हो, बल्कि तुम्हारे अंदर भी कमजोरियां और बुराइयां भी हैं। हाँ, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूं तुम्हारी, और ना ही मैं कोई भोली भाली लड़की हूं। है मुझ में बुराइयां। मैं बदला लेना चाहती थी और चाहती थी कि जिसने भी मुझे दर्द दिया है उसे मैं 10,000 गुना ज्यादा दर्द दूं ताकि वो टूट जाए। क्यों छोड़ू मैं उन्हें? क्यों माफ करूं उन्हें? मैं ही क्यों अकेले सारा दर्द सहूं और कुछ ना बोलूं और कुछ ना करूं? बताओ मुझे। छोड़ो ये सब, सब खत्म हो चुका है। जाएंगे में I'm sorry। दो बियर और देना। ये लीजिए आपका ड्रिंक। थैंक यू।
कैसी हो तुम? बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? कौन ऐसी लड़की को जॉब पे रखना चाहेगा जो 7 साल तक हाउसवाइफ थी और कुछ भी काम नहीं किया हो उसने? लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही था। लेकिन अगर कोई रखना चाहे जॉब पर तो क्या ख्याल? क्या मतलब है? कुछ नहीं। एक गुड न्यूज है, हमारा क्लिनिक फिर से शुरू होने वाला है। सच में? बिल्कुल। पेशेंट के फैमिली ने सारे आरोप हटा दिए, उन्होंने ऑनलाइन स्टेटमेंट भी दिया। इंटरनेट पे जितनी निगेटिव बातें थी वो सब हट गई हैं। कल मुझे कुछ पुराने पेशेंट्स ने फोन भी किया था और एक दो हफ्ते में वो अपने क्लिनिक में भी आने वाले हैं। बस उसके लिए तैयारी करनी है। तुम अगर चाहो तो वापस आ सकती हो। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे अपनी मेहनत और टैलेंट से ही नई जॉब ढूंढनी है। तुम वापस काम करो, तुम्हें नॉर्मल स्टाफ की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्लिनिक स्टार्ट हो रहा है, सब वापस काम करेंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं फिर से तुम सबको मुश्किल में नहीं डाल सकती। पिछली बार मेरी गलती थी और मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। मैंने चेंग हाओ और तुम्हें धोखा दिया है। मेरी गलती थी सब। मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया सबके साथ, बहुत ज्यादा बुरा। अगर मैं लियू यू से बदला लेने के चक्कर में ना होती तो चेंग हाओ शायद वो गलती कभी ना करता और तुम्हारा क्लिनिक बंद नहीं होता। इसलिए मुझे अब वहां वापस आने का कोई हक नहीं है। थैंक यू मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए। सच में रुलाओगी तुम तो मुझे? सच में? मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो अपनी मर्जी से खुद गलती करे और फिर भी सच बोले, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करे। बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है और तुम लू यू को सच में बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम तो इस बात से गुस्सा थी कि तुमने किसी को इतना प्यार दिया और बदले में तुम्हें धोखा मिला, और ये दुनिया बहुत बुरी है ना? ठीक हाँ। है, तुमने जो किया उसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, लेकिन समझता हूं क्योंकि हम एक जैसे हैं। हम लोग जो धोखा खाकर गुस्सा होते हैं और गलती कर लेने के बाद बुरा लगता है, एक जैसे ही हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ उन गलतियों को हमें बहाना बनाकर अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहिए। आपके साथ धोखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के काबिल नहीं हो। और इसलिए मैं आज तुम्हें ये कहने आया था कि मैं जेंग मियां हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने भी तो अपना सब कुछ छोड़कर यूएस में शादी की थी, तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर, क्योंकि तुम्हें भी ये प्यार और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सब छोड़ के क्या मतलब? मैं वापस नहीं जा रहा हूं, मैं क्लिनिक में नहीं जाऊंगा,
वापस नहीं जाऊं। चिंगाओ के साथ रहूं और उसकी मेहनत पे जीऊं, उससे अच्छा है कि मैं उसके साथ नई लाइफ स्टार्ट करूं जिसे मैं प्यार करता हूं। क्यों? मेरे लिए क्यों जंग में आऊं? पता नहीं, शायद यही मेरी किस्मत है। जैसे जब पहली बार मैं जब तुम्हें मिला था, मैंने तुम्हारा टायर बदला था। शायद किस्मत में यही लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारा हेल्पर बनकर रहूं। क्योंकि तुमने देख ही लिया कि हेल्पर बुरे टाइम में कितना काम आता है। I love you. चलो चीयर्स करो हेल्पर के लिए। मेरे हेल्पर के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आपके साथ काम कर पाऊंगा। थैंक यू। ओके बाय। नेक्स्ट गुयाओ। हेलो। हेलो बैठिए। अरिफा जिलिन, तुमने इतनी बड़ी कार बुक की है, हमें तो कभी इतनी अच्छी कार में बैठने को नहीं मिलता। मिस्टर ड्राइवर, यहाँ कैब नहीं मिलती, आप हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, पिछली बार भी बहुत वेट करना पड़ा था। मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर बस यिलिन को लेने आया हूँ। तो क्या हम चले यिलिन? अरे कुछ भी मत बोलो, हमने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम यिलिन को पिक करने आए थे। हाँ, कार दूसरी थी बस। हाँ। चलो चलो अंदर बैठो यार। ओ वाओ, अरे क्या बात है, यहाँ तो फूल भी रखे हैं, क्या चक्कर है? हाँ, बताओ, तुम डेट कर रहे हो इसको? यिलिन, मैं वो, कोई बात नहीं, सच बता दो, ये फूल पहले मुझे तो, अब बताता हूँ। इधर आ जाओ मेरे पास, अब मैं तुम सबको सच बता सकता हूँ। यिलिन, मैं सब सच बता दूंगा। मेरा नाम साउ बेई है और पहले मैं एक कैब कंपनी के लिए ड्राइवर का काम करता था, और आज से मैंने वो काम छोड़ दिया है क्योंकि आज से मैं शाओ यिलिन का पर्सनल ड्राइवर बनना चाहता हूँ। पूरी लाइफ के लिए।
अगर तुम सबको मेरी कार में बैठना है तो तुम्हें यलीन की परमिशन लेनी होगी, पर यलीन आगे की सीट पे बैठेगी, समझ गए ना? आज का दिन यलीन और मेरे लिए बहुत ही खास दिनों में से एक है, क्योंकि हम दोनों पहली ऑफिशियल डेट पर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी कार में चले जाओ। हमें दूसरी कैब लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम दोनों जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। डेट पे जाओ, खाना खाओ, घूमो फिरो, हम चलते हैं। चलो फ्रेंड, बाय बाय। पार्टी देना बाद में। पक्का दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अच्छा तो चले हम। चलो। ये मेरे लिए है? वो मैंने देखा कि तुम्हें इस ब्रांड की आई क्रीम पसंद है, तो मैं ये तुम्हारे लिए ले आया। लेकिन इतनी सारी क्यों लाए? मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें से कौन सी यूज करोगी, तो सब ले आया। थैंक यू। इतने सारे गिफ्ट्स हैं, मैं कहाँ बैठूंगी? लाओ ना, मैं इसे पीछे रखता हूँ। अब बैठो। ओके। क्यों देख रहे हो, सीधे क्यों नहीं देखते? अगर तुम्हारी तरफ ही देखता रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे नहीं। वैसे पहले कभी तुम्हें इतना अच्छे से बात करते नहीं देखा। अच्छा बताओ, इतनी सारी लड़कियों से बात करके मजा आया तुम्हें? सच कहूं तो मुझे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है। तो किससे बात करना पसंद है? जिसे इस वक्त मैं अपनी कार में बिठाकर ले जा रहा हूं, बस उससे। लेकिन तुम तो पहले भी कई लड़कियों को कार में लेके गए होंगे। सर अपना फोन दो। ये लो, मैंने तुम्हारे फोन में ट्रैकर डाल दिया और अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया। अब तुम जब चाहो देख सकती हो कि मैं कहां पर हूँ, किसके साथ। अगर मेरी लोकेशन देखना चाहो तो वो भी देख सकती हो, मैंने एक्सेस दे दिया। मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। पागल हो क्या तुम? मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक मत किया करो, मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ। ओके, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मिस शाओगिलिन, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? पूछो। अच्छा, क्या तुम मेरी? हाँ बनूंगी। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो ये तुमने सामने से बोल दिया? अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, बिल्कुल पीछे नहीं हट सकती। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बहुत ही सीरियस आदमी हूँ। हाँ तो मैं भी ऐसे ही नहीं मानती। चलो छोड़ो ये सब, मैं तो बस पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ एक लंच डेट पर चलोगी? चेंगहाओ और जैंग मिंगयांग का क्लिनिक फिर से खुलने वाला है, तो उन्होंने हम दोनों को इन्वाइट किया है। वो इनॉग्रेशन पार्टी दे रहे हैं क्लिनिक फिर से खुलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये सरप्राइज मुझे मिल जाएगा। अरे मैंने क्या किया, कैंसिल करना पड़ेगा। तुम अगली बार मुझसे फिर से पूछना। मैं नहीं जानता, तुमने खुद से कहा है और मैं सीरियस आदमी हूँ, याद रखना। नहीं 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 नहीं।
कैसा रहा, क्या पूछा उन्होंने? सुना है उन लोगों ने बहुत टेढ़े सवाल पूछे। अरे ये जॉब ढूंढना लाइफ पार्टनर ढूंढने जैसा ही है। आराम से चाले चलनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। चलो कुछ खाते हैं, भूख भी लगी है। चलो चलो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इसमें चिकन ज्यादा है। थैंक यू। और ये मेरा है, मेरा वाला। और ये मेरा मशरूम सूप। लो ये लो। ओके। और ये चम्मच। तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। हुँ? खाना जरूर अच्छा होगा। चलो खाते। हाँ। आराम से खाओ, अटक जाएगा। भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। कैसा है? टेस्टी है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा। क्या अच्छा है? पता है जब तुम वहां बेंच पर बैठी थी ऑफिस के बाहर और मेरा वेट कर रही थी, तो मुझे पता है कैसा लगा? कैसा लगा? दिल को सुकून मिला, सच में। क्योंकि पहले मैं काम से फ्री होता था तो कोई नहीं था मेरा जो मेरा वेट करके मेरे साथ में नूडल्स खाएं। मैं बस बार्स या नाइट क्लब्स में जाता था क्योंकि बहुत अकेला था मैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों, ये जानकर कि कोई मेरा वेट कर रहा है, बहुत बहुत खुशी होती है। दिल बाग बाग हो जाता है। खाए। ओ हाँ, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? यही कि मुझे नया ऑफर मिला है। अच्छा? हाँ सच में, एक सेल्स का बिजनेस है। उन्हें पता है मेरा पास वर्क कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनका कहना है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसलिए वो मुझे इंटरप्रेटर की जॉब दे रहे हैं। रुको जरा, मैं दो बियर लेकर आता हूँ ताकि सेलिब्रेट कर सके। अरे बात खत्म नहीं हुई, पूरी बात तो सुन लो। बस दो बोतल लेके आनी है। बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बोला है? इस जॉब में मुझे शायद बहुत ट्रैवल करना पड़े। एक महीने में 20 दिन शायद बाहर रहूं, तो शायद हम इतनी जल्दी जल्दी ना मिल सके। तो मैं यही सोच रही थी कि बाहर जाओगी? अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मना कर दूंगी। ओ नहीं नहीं नहीं, जरूर जाओ, सच में जाना ही चाहिए। अरे यार सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत करो तुम। अगर तुम वहां काम करना चाहती हो तो अपना करियर बनाओ। जब तुम थक जाओगी तो घर आके आराम कर लेना। तुम चाहे जो डिसाइड करो, चाहे जो भी करना है चाहो करो, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। जो डिसीजन लोगी वही अच्छा होगा। कल जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, ठीक है? ठीक है। पक्का जाओगी ना? ये हुई ना बात। रुको मैं बियर लेकर आता हूँ, यही रुको। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे भी ले चलोगी अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर? मैं तुम्हारी आया बन जाऊंगा या फिर असिस्टेंट, या तुम्हारे कपड़े धोने वाला? मैं पैसे भी नहीं लूंगा और अपने खर्चे खुद ही उठाऊंगा। चुप करो और खाओ। मैं अलग कैसे रहूंगा तुमसे? भूख लगी है ना? बियर लेके आता हूं मैं।
थैंक यू सर, फिर से आइएगा। हेलो सर, वेलकम, प्लीज अंदर आइए। हेलो सर, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? हाँ, मुझे ये एक्चुअली आपके पास सबसे स्पेशल वेडिंग रिंग है क्या? मुझे अपने और अपनी प्रिंसेस के लिए एक रिंग चाहिए, उस रिंग में मेरा सारा प्यार दिखना चाहिए, है ऐसा कुछ आपके पास? बिल्कुल, बी लव में हम स्पेशल रिंग्स ही बनाते हैं जिसमें आपकी लव स्टोरी हो। आपके अलावा ये रिंग्स किसी के पास नहीं होंगी। आप हमारी डिजाइनर के साथ रिंग बनाने का प्रोसेस भी देख सकते हैं ताकि आप अपने हिसाब से अपनी रिंग्स बनवा सकें। आपके पास डिजाइनर है? जी सर, आप हमारे डिजाइनर को अपनी लव स्टोरी और रिंग कैसी चाहिए वो बता सकते हैं, प्लीज। ओके। तुमसे कुछ कहना था। क्या इत्तफाक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। अच्छा, तो तुम पहले कहो। जॉब मिल गई ना तुम्हें? अगले मंडे से ज्वाइन करने को कहा है। तो कब जा रही हो, डिसाइड कर लिया तुमने? 16th की फ्लाइट बुक की है। अब कांग्रेचुलेशंस फिर। क्या किस्मत है, उसी डेट का इनविटेशन। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, क्लिनिक फिर से ओपन हो रहा है, तुमने रास्ता निकाल ही लिया। अब तुम्हारे क्लिनिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। सॉरी मैं नहीं आ सकती। पार्टी में एंजॉय करना। खैर मुझे जाना है, बहुत पैकिंग बाकी है।